इसकी पारी कब आएगी? देखो भाई कहाँ देख रहे हो? बेटी है, बेटी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मंच पर तालियों के साथ हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विकास की विभिन्न परियोजनाओं से आच्छादित करने के लिए उत्तर प्रदेश शासन के परम यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय सांसद, माननीय महापौर महोदय के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को नगर निगम की ओर से स्वागत हेतु राम प्रतिमा का यह वेस्ट मटेरियल के द्वारा स्वागत, माननीय महापौर महोदय के कर कमलों से धान की भूसी के द्वारा निर्मित वेस्ट मटेरियल पर निर्मित यह राम प्रतिमा उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्वागत के साथ समर्पित की जाती है। हम स्वागत उद्बोधन के लिए माननीय महापौर महोदय से अनुरोध करेंगे कि आप मंचा से अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन करें। आज इस नगर निगम के कार्यक्रम में हम सबके अभिभावक श्रद्धेय आदरणीय परम पूजनीय जितने भी विशेषण हम कहें वो शायद महाराज जी के लिए बहुत कम होंगे। मैं ऐसे आदरणीय अपने मुख्यमंत्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन निवेदित करता हूं। आज के कार्यक्रम में सदर सांसद भोजपुरी सिने स्टार आदरणीय रवि किशन शुक्ल जी, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और एमएलसी, मैं उनका स्वागत करता हूं। माननीय विधायक सहजनवा आदरणीय प्रदीप शुक्ला जी, ग्रामीण विधायक आदरणीय विपिन सिंह भाई साहब, आदरणीय श्री राम चौहान जी विधायक खजनी, आदरणीय श्री फतेह बहादुर सिंह जी विधायक कंपियरगंज, श्री राजेश त्रिपाठी भाई साहब विधायक चुल्लूपार, आदरणीय श्री महेंद्र पाल सिंह जी विधायक पिपराइच, आदरणीय श्रीमती साधना सिंह जी जिला पंचायत अध्यक्ष, पूर्व महापौर आदरणीय श्री सीताराम जायसवाल जी, श्रीमती सत्या पांडे जी, श्रीमती अंजू चौधरी जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आदरणीय वशिष्ठ सिंह जी, महानगर अध्यक्ष आदरणीय राजेश गुप्त जी, उपसभापति आदरणीय धर्मदेव चौहान जी, देवियों, सज्जनों, अतिथियों, हमारे नगर निगम के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं मीडिया के बंधुओं, आप सभी को मेरा प्रणाम निवेदित है। मैं बार बार ये कहता हूं कि जब भी महाराज जी का आगमन उनकी कर्मभूमि गोरखपुर में होती है तब हम लोगों की स्थिति वही रहती है कि जो छोटे बच्चों की होती है उनको अभिभावक से बहुत कुछ मिलने वाला होता है। आज इसी क्रम में बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास होना है, लोकार्पण होना है और कई गाड़ियों को जो है हम लोग आज हरी झंडी दिखाकर महाराज जी रवाना करेंगे। इस क्रम में कुछ चीज़ें आपके समक्ष रखना चाहूँगा। राज्य स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत डिजिटल लाइब्रेरी का शिलान्यास आज होना है। नगर निगम टाउन हॉल के नवीनीकरण और मरम्मत का कार्य होना है। ICCC इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का आज शिलान्यास होना है, सादर लोकार्पण होना है, और त्वरित आर्थिक विकास योजनाओं की एक लंबी फेहरिस्त है जिसमें 114 करोड़ रुपए की लागत से महानगर की विभिन्न 94 सड़क व नालियों का निर्माण कार्यों का शिलान्यास होना है। बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत लंबी लिस्ट है, मैं इन सबको संक्षेप में करते हुए, बहुत सारे नाली निर्माण हो, चाहे वो जो भी हो, विकास के कार्य हो, आज यहाँ से उनके शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम होना है और इस कार्यक्रम में आप सबका पुनः स्वागत करते हुए और वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। धन्यवाद महोदय। मंच पर माननीय सांसद श्री रवि किशन शुक्ल जी से सादर अनुरोध है उद्बोधन हेतु। पूज्य महाराज जी के चरणों में वंदन अभिनंदन। एक जोरदार ताली हमनी के महाराज जी खातिर जोरदार ताली लगी के चाहिए कि आप लोग सबका सांस चल रहा है। मेयर साहब हम देखे कि जैसे पद मिलाला तो हम अब इनके देखे तरह की आदमी कैसा जवान लगने लगता है। मेयर साहब हमारे साथ चुनाव में घूमत रहना तो लगे आदमी एकदम झुराई, एकदम आदमी प्रत्याशी तो एकदम झुरा जाला। अभी देखिए चमका ताड़न अच्छा है। महादेव बोलो नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। महाराज जी का कह रहे बुढ़ऊ आदमी जवान हो जाला, जवान बुढ़वा हो जाए महाराज जी का। फागुन चला था, हाँ फागुन, अभी तो होली में गौराएंगे। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी हमारे भाजपा के उपाध्यक्ष समस्त उत्तर भारत के, उत्तर प्रदेश के MLC महोदय आपके स्वागत। प्रदीप शुक्ला जी माननीय विधायक सदन, श्री विपिन सिंह जी माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण, श्री राम चौहान जी माननीय विधायक खजन, श्री फतेह बहादुर सिंह जी माननीय विधायक कैंबियर, श्री राजेश त्रिपाठी जी माननीय विधायक चिल्लूपाल, श्री महेंद्र पाल सिंह जी माननीय विधायक विपराय, श्रीमती साधना सिंह जी माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत, श्री मंगलेश श्रीवास्तव जी के बारे में हम बता दिए। बड़े सज्जन व्यक्ति आज बहुत खुश लग रहे हैं। अच्छा काम आज उन्होंने बड़ा अच्छा किया अंदर। श्री सीताराम जायसवाल जी, इनसे हमारा बहुत पुराना नाता है, पूर्व महापौर नगर निगम। श्रीमती सत्या पांडे जी पूर्व महापौर, श्रीमती अंजू चौधरी जी पूर्व महापौर, श्री युधिष्ठिर सिंह जी जिला अध्यक्ष भाजपा, श्री राजेश कुमार गुप्ता जी महानगर अध्यक्ष, श्री धर्मदेव चौहान जी उप सभापति। 34 वाहन से लेके 500 करोड़ का आज सौगात। महाराज जी सौगात हमेशा खाली हाथ आमना है। अब महाराज जी चंदौली से लेके आजमगढ़ से लेके बनारस, कल यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ शिव जी के त्रिशूल के साथ बड़ा वायरल भई। तो एक ऐतिहासिक सभा करते हुए भी आजमगढ़ होते हुए कुशीनगर से महाराज जी आके अब तुरंत लखनऊ निकली है। तो ये जो शक्ति है, जो चुनाव का माहौल है महाराज जी, लेकिन हम सबसे कह सब कहा ना कि महाराज जी, हम बोले महाराज जी 365 दिन इसी मोड में थे। कोरोना काल में भी महाराज जी ऐसे थे। जब 25 साल विपक्ष में थे महाराज जी, तब भी महाराज जी ऐसे थे। आंदोलन बार बार करते थे। ये गोरखपुर, ये इमारतें, ये सड़कें, ये नजीर, आज गोरखपुर को लोग 5 स्टार शहर कहता है। लेकिन इस कहता है तो हमको बड़ा अच्छा लगता है। 5 साल में सुन रहा हूं, देख रहा हूं, मेरे आंखों के सामने लाखों करोड़ रुपया यहाँ पर निवेश हुआ पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की केंद्रीय योजनाओं से। ये गोरखपुर बदल गया। लेकिन 2017 के पहले का गोरखपुर जरूर सबको याद दिलवाई। ये सौगात तो मिलेगी। आज अनगिनत सौगातें हैं। आज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की सौगात है, वैन की है, रिसाइकलिंग की बहुत सारी चीजें हैं, जो एक अद्भुत शहर बनता जा रहा है। बायो प्लांट आपने देखा होगा, परसों महाराज जी बांसगांव में की। ऐतिहासिक है कि अब पराली जलाना नहीं है, पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करना, उसको अब एक अलग चीज, एक बायोगैस स्टेशन बन जाएगा। और महाराज जी पूरे प्रदेश में करने जा रहे हैं। आज आजमगढ़ का एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ। सबसे ज्यादा एयरपोर्ट, सबसे ज्यादा रोजगार, सब कुछ। 10 लाख करोड़ का निवेश अभी आया, 32 लाख 34 लाख करोड़ का निवेश और धरती पे आएगा। कल NCC वालों के लिए, बच्चों के लिए बहुत बड़ा 10 एकड़ का, उसके पहले पशुपालन के लिए, पशु को उनको इलाज के लिए, वेटरिनरी के अच्छी नस्ल के जानवर कैसे हैं उसके लिए 300 करोड़ रुपए का ग्रामीण बिड किया। सैनिक विद्यालय बनल, अटल आवास विद्यालय बनल। ये सारी चीजें गनवाना है हम लोगों को चुनाव में, एक एक चीज है। क्योंकि लाभार्थी इस डबल इंजन की सरकार में हर जन पड़ा हुआ है। हर आदमी, हर जात, हर बिरादरी, छोटी बड़ी, हर जात, जो वोट नहीं देता वो भी लाभ पाए। ये अद्भुत है। यही भारतीय जनता पार्टी और यही जनवाना, एक एक व्यक्ति को निकलना, 370 वोट हर बूथ पे निकल, हम लोगों को बढ़ाना है। मोदी जी और पूज्य महाराज जी का ये दिशा निर्देश है, 370 वोट बढ़ना, वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाना। जीत है, जीत होगी, वो सारी बातें अब दूर है। अब भारतीय जनता पार्टी को एक विकसित भारत बनने के लिए वोट शेयर बढ़ाना, और ये नया मंत्र मिला है 370 वोट हर बूथ पर। पार्षदगण है यहाँ पर, बहुत बड़ी शक्ति यहाँ बैठी, बहुत सारे मंडल अध्यक्ष हैं, बहुत सारे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष हैं यहाँ पर। सभी लोगों से मेरा निवेदन है, बस यही शब्दों के साथ मैं एक बार चाहूंगा आप लोग भारत माता की जय नाभि से बोलेंगे, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद। सादर धन्यवाद महोदय। नवाचारी कार्यों की श्रृंखला में नगर निगम गोरखपुर के तत्वावधान में नवाचारी कार्यों की डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख। डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन। एक समय था जब विकसित देशों के शहरों को देखकर कहा जाता था, वाह कितना साफ शहर है। अब हम भारत के शहरों को भी उसी तरह से समाधान दे रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अनुरूप गोरखपुर नगर निगम स्वच्छता के क्षेत्र में गढ़ रहा है नित नए कीर्तिमान। घर घर से किया जा रहा है QR कोड आधारित गार्बेज कलेक्शन। विगत 7 वर्षों के सतत और अथक प्रयासों से नगर निगम गोरखपुर ने स्वच्छता रैंकिंग में लगाई है लंबी छलांग। वैज्ञानिक विधि से कचरा निस्तारण, मुख्य बाजारों और व्यावसायिक क्षेत्रों में मैकेनाइज्ड वाहनों द्वारा स्वीपिंग, खाली पड़े भूखंडों की सफाई सहित अन्य स्वच्छता संबंधी कार्यों से गोरखपुर बना है क्लीन गोरखपुर, ग्रीन गोरखपुर। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से C&D वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट, बायो CNG प्लांट और वेस्ट टू चारकोल प्लांट का कार्य प्रगति पर है, जो गोरखपुर की स्वच्छता में निभाएंगे उपयोगी भूमिका। हम सब सॉलिड वेस्ट या किसी भी प्रकार के वेस्ट को वेल्थ में बदलने के लिए कार्य कर सकेंगे। इस दृष्टि से आज नगर निगम की ये पहल अत्यंत सराहनीय है। स्वच्छ गोरखपुर, सुंदर गोरखपुर की प्रतिबद्धता के साथ नगर निगम प्रशासन कर रहा है कई नवाचार। गोरखपुर की सुरक्षा, स्वच्छता और सुंदरता को नए आयाम देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज 482 करोड़ रुपए की 253 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास किया जा रहा है। इसमें त्वरित आर्थिक विकास योजना, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के अंतर्गत अर्ली वार्निंग सिस्टम और गोरखपुर शहरी बाढ़ प्रबंधन सेल की स्थापना, ताल नादौर में 50 एकड़ में कान्हा गौशाला का निर्माण, शहर के पेयजल, सीवर और जल निकासी कार्यक्रमों के साथ ही नगर निगम के भवन में संग्रहालय की स्थापना और एकलाबंधा स्थित कूड़ा निस्तारण लैंड के कूड़े का वैज्ञानिक विधि से निस्तारण करके एकलाबंधा रिवर फ्रंट, पिकनिक स्पॉट और पार्क जैसे विकास कार्य सम्मिलित हैं, जो स्थानीय पर्यटन को करेंगे प्रोत्साहित। राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत स्थापित ICCC से सुनिश्चित होगी सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए कैमरों की मॉनिटरिंग। यह गोरखपुर शहर को बनाएगा सेफ सिटी, साथ ही बेहतर बनाएगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत गोरखपुर नगर निगम द्वारा स्थापित महेसरा में 50 TDP क्षमता का C&D वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट, शहर से निकलने वाले निर्माण एवं विध्वंस सामग्री से इंटरलॉकिंग ब्रिक, मैन होल कवर, पिलर आदि के निर्माण में निभाएगा महत्वपूर्ण भूमिका। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत रिकॉर्ड समय में निर्मित 200 TDP क्षमता के स्मार्ट गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन से सेकेंडरी कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन होगा सुगम एवं शहर से समाप्त होंगे कूड़ा पड़ाव केंद्र। स्मार्ट गोरखपुर को यह परियोजनाएं देगी नए आयाम, नए उत्तर प्रदेश का स्मार्ट गोरखपुर। एक समय था। और इसी श्रृंखला में मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश शासन के परम यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करबद्ध निवेदन है कि नगर निगम गोरखपुर के न्यूज़लेटर का विमोचन कर हम सभी को कृतार्थ करें। आज नगर निगम गोरखपुर के सौजन्य से नगर निगम गोरखपुर के न्यूज़लेटर का विमोचन तालियों के साथ आप सभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं नगर निगम की गोरखपुर की पूरी टीम का हम सभी धन्यवाद देते हैं। और इसी क्रम में मंच पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर अनुरोध है कि स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर महिलाओं को एवं उनके उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मान उपहार के द्वारा उन्हें सम्मानित करें। इस हेतु हम आमंत्रित करेंगे सर्वप्रथम शिवजी स्वयं सहायता समूह से शकुंतला जी को। मोहनापुर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से तालियों के साथ आप सभी इनका उत्साहवर्धन करें। इस हेतु डिम्पल शुक्ला जी को नेक्स्ट हमारे आज के इस कार्यक्रम में शकुंतला जी के उपरांत आमंत्रित करेंगे। नव प्रेरक राधे स्वयं सहायता समूह से डिम्पल शुक्ला जी, वाइफ ऑफ गौरी शंकर शुक्ला जी, कृष्णानगर से। नेक्स्ट नागेंद्र कुमार जी, जलकल विभाग जोन नंबर 4 से। नेक्स्ट राजू गौर जी, स्वास्थ्य विभाग से। छिड़काव हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अमित तिवारी जी, सफाई सुपरवाइजर जोन नंबर 07, स्वर्गीय विजय तिवारी जी के पुत्र। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सादर धन्यवाद देते हुए सादर अनुरोध है कि आप अपने कर कमलों से बटन दबा करके आज नगर निगम की विभिन्न प्रकार की 482 करोड़ रुपए की लागत की कुल 253 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम तालियों के साथ मंचासीन समस्त अतिथिगण का, उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, एनसीएपी एवं स्मार्ट राज्य सिटी, जल निकासी एवं सीवर, त्वरित आर्थिक योजना, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट आदि से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास, जिसमें कान्हा गौशाला, एनसीएपी, माननीय पार्षद वरीयता एवं डिजिटल लाइब्रेरी आदि विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न होता हुआ मंच पर विराजमान हम सबके संरक्षक परम आदरणीय गोरक्ष पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर विनम्र भाव से अनुरोध है कि आज अपने शुभाशीष से हम सभी को अभिषेचित करें। सादर अनुरोध महोदय। नगर निगम गोरखपुर की विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में आज मंच पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी, गोरखपुर के लोकप्रिय महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण से विपिन सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, श्री राम चौहान जी, राजेश त्रिपाठी जी, फतेह बहादुर सिंह जी, महेंद्र पाल सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, पूर्व महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, श्रीमती अंजू चौधरी जी, श्रीमती सत्या पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष श्री राजेश कुमार गुप्ता जी, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, नगर निगम कार्यकारिणी के उप सभापति श्री धर्मदेव चौहान जी, सभी पार्षदगण, नगर निगम से जुड़े हुए सभी कार्मिकगण और गोरखपुर महानगर से जुड़े हुए सभी उपस्थित यहाँ पे बहनों और भाइयों, एक साथ गोरखपुर नगर निगम से जुड़ी हुई इन विभिन्न परियोजनाओं के लिए मैं यहाँ के महापौर को, उपसभापति को, सभी पार्षदों को हृदय से उनका अभिनंदन करते हुए महानगर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इनमें से गोरखपुर भी अब स्मार्ट सिटी के रूप में अपने आप को कह पाएगा। बहुत बड़ी योजना है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन था, हमारा देश भी और हमारे शहर भी स्मार्ट लगे, हमें दुनिया की तरफ मुंह ना देखना पड़े, बल्कि दुनिया भारत से, हमारे शहरों से सीख सके। स्मार्ट सिटी मिशन से जुड़े हुए, स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े हुए, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम से जुड़े हुए जो कार्यक्रम यहां पर आज आयोजित हो रहे हैं, इनका सबसे जुड़े हुए प्रोग्राम है, जिनमें 50 टीडीपी क्षमता का C&D वेस्ट प्रोसेसिंग का एक कार्यक्रम जो आपका महेश्वरा में स्थापित हुआ है, उसका कार्यक्रम 200 टीडीपी क्षमता की स्मार्ट गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन आपका लाल डिग्गी में स्थापित हुआ है, और ICCC यानी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, सिटी की सफाई, सिटी की स्ट्रीट लाइट, सिटी की पेयजल की व्यवस्था का तो वहां से नगर निगम अवलोकन कर ही लेगा एक बड़ी सी स्क्रीन में। साथ साथ गोरखपुर सिटी की ट्रैफिक और गोरखपुर सिटी की सुरक्षा, यह भी एक जगह से बैठ करके आप मॉनिटर कर पाएंगे। इस अत्याधुनिक सुविधा के लिए नगर निगम परिवार को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यह आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आज के समय में हम तकनीक अपनाएं और उस तकनीक का उपयोग कैसे हम कर सकते हैं स्वयं को भी स्मार्ट बनाने के लिए, और अपनी सिटी को भी, हमारी सिटी के बारे में लोग अच्छी धारणा बनाएं, ये हमारा दायित्व बनना चाहिए। मोदी जी की यही प्रेरणा है, मोदी जी का यही संकल्प है। आज अनेक ऐसी योजनाएं चल रही हैं जो ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यंत सहायक हो सकती हैं, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग कैसे हो, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आप उसका मॉनिटरिंग कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में लाखों गरीबों के आवास बने। अकेले उत्तर प्रदेश में हमने 56 लाख गरीबों के आवास बना लिए। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आवास के लिए पैसा मिल रहा है, लेकिन साथ साथ जो शहरी क्षेत्र में जो सबसे बड़ा चैलेंज था, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट की प्रोसेसिंग और उनकी कैसे हम उस गार्बेज को सेग्रीगेट करें और फिर उसको प्रोसेसिंग के माध्यम से अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में कैसे हम योगदान दे सकते हैं, यह कार्य एक चुनौती बना हुआ था। और मैं धन्यवाद दूंगा नगर निगम ने इस संकल्प को आगे बढ़ाने के तहत आज अपने 2 महत्वपूर्ण प्लांट भी स्थापित किए और सेफ सिटी के रूप में भी अपने को दर्ज किया है। यानी सेफ सिटी, माननीय उच्चतम न्यायालय 8 वर्ष पहले कहा था हर शहर के पास एक मॉडल होना चाहिए सेफ सिटी का, और गोरखपुर ने, नगर निगम ने, पुलिस ने, सभी ने मिलकर, प्रशासन ने, सब ने मिलकर के व्यवस्था की। यहाँ के व्यापारियों ने भी, यहाँ के सामान्य नागरिकों ने भी, बैंकर्स ने भी, सबने योगदान दिया। हजारों कैमरे गोरखपुर में लगे, और परिणाम क्या है, एक पेन का भी कहीं उठेगा ना, पता लग जाएगा कहाँ से उठा है, उसकी फोटो सामने आएगी। अगर कभी जल्दीबाजी में रवि किशन जी चाहेंगे कि मैं फिल्म की शूटिंग करने जा रहा हूँ, ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करते हुए जा रहे हैं, पता लगा वो सब अगले साथ साथ पीछे पीछे चालान भी उनका पहुंच जा रहा है, अब नहीं कर पाएंगे। अभी इन दोनों में यही चर्चा चल रही थी, सीताराम जी में भी और उनमें, कि भाई फिल्मों की शूटिंग करने के लिए। सीताराम जी कह रहे थे कि मैं नायक बनूंगा, आप खलनायक बनिए लेकिन वह उल्टा कह रहे थे। सीताराम जी कह रहे थे अब तो कम से कम मेरा लिहाज करो, अब तो मैं कम से कम प्रतिस्पर्धा में नहीं हूं, और वह नायक बनने के लिए आज भी उतावले हैं। और मुझे लगता है कि रवि किशन जी को उनकी फरमाइश को पूरा करना चाहिए। लेकिन फिल्मों की शूटिंग के बहाने ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन न हो, यह भी हमें ध्यान रखना होगा। दूसरा, सिटी के अंदर अक्सर क्या होता था, लोग घर में अपना घर का पूरा कचरा निकाल करके जितना भी घर का कूड़ा होता था उसको फेंक देते सड़क में। CCTV कैमरा पकड़ लेगा, और 5-7 दिन इस बात के लिए गांव में स्वच्छता समितियों का गठन करके नगर निगम के माध्यम से महापौर जी के साथ मिल करके उनकी बैठक करिए, लोगों को बोलिए कि जगह जगह डस्टबिन रखे गए हैं, वहीं पे कूड़ा कलेक्शन की कार्रवाई को करें। सिटी को स्वच्छ और सुंदर बनाना, प्लास्टिक फ्री रखना, हमारा शहर सुंदर दिखेगा, लोग आकर्षित होंगे। आज गोरखपुर में देखिए 4 लेन और 2 लेन की सड़कें, हर सड़क हमने 4 लेन और 2 लेन के लिए स्वीकृत कर दिया, सबका पैसा दे दिया, सभी पे कार्य होगा, कोई भी मार्ग हो। यानी अब लखनऊ से आने वाला मार्ग ही नहीं बल्कि नेपाल जाने वाला भी, कुशीनगर और देवरिया जाने वाला लोड, ये सभी मार्ग तो फोर लेन के हो रहे हैं। मेडिकल कॉलेज का मार्ग भी फोर लेन का हो गया और सिटी के अंदर हम लोग चल रहे हैं टाउन हॉल से लेकर के गीता प्रेस होते हुए, रेती होते हुए, आर्यनगर होते हुए, यह मार्ग भी धर्मशाला होते इस धर्मशाला तक। इसके अलावा हावड़ वाला बंदा हुआ को भी हम फोर लेन की कार्रवाई के साथ जोड़ रहे हैं और इसको हम सीट लेकर लेंगे। हावड़ बंदा से लेके माधवपुर तटबंध होते हुए सीधे इसको गोरखपुर सोनौली मार्ग के चलो जोड़ देंगे। एचएन सिंह चौराहा से लेकर के अड़वा फाटक होते हुए आर्यनगर को जोड़ने वाली है और गोरखनाथ मंदिर को जोड़ने वाला मार्ग भी, जैसे आपने देखा होगा गोरखनाथ मंदिर से स्पोर्ट्स कॉलेज वाला मार्ग फोर लेन का हो गया, आपको चलता है। यानी गोरखनाथ मंदिर से मेडिकल कॉलेज पहुंचने में 7 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता, कोई जाम भी नहीं, फोर लेन की सड़क हो गई। और सड़क ऐसी साल दो साल नहीं 50 साल की गारंटी देने वाली सड़क, 50 साल की गारंटी देने वाली सड़क। आज क्या नहीं है गोरखपुर के पास, सब कुछ है। इसको सजोने और संवारने का दायित्व तो नगर निगम का है, जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में। हर जनप्रतिनिधि, वह सांसद हो, विधायक हो, महापौर हो, पार्षद हो और स्वच्छता समिति से जुड़े हुए लोग, ये सभी लोग मिलकर के अगर कार्यक्रम के साथ जुड़ जाएं, कोई कारण नहीं कि हमारा शहर स्वच्छ और सुंदर न लगे, स्मार्ट भी दिखेगा और साथ साथ हम लोग दुनिया से आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र हो जाएंगे। रामगढ़ ताल कितना भव्य बन गया है और भव्य उसको तैयार किया जा रहा है। जब भी जाओ देखो ना, 25-30 हजार लोग इकट्ठे रहते हैं, देखते हैं, परिवार के साथ घूमने के लिए जाते हैं। कन्वेंशन सेंटर बन रहे हैं। मैंने तो विधायक निधि का पैसा ही अलग अलग जगहों पर दिया है कि भाई कहीं शादी ब्याह के लिए कन्वेंशन सेंटर बने, वहां पे लोगों के लिए सुविधा बने, नगर निगम भी बना रहा है। तो जो लोग महंगे होटल में पैसा नहीं खर्च कर सकते, मैरिज हॉल बुक नहीं कर सकते, उनको सस्ते में ये हॉल नगर निगम उपलब्ध कराएगा। मैंने विधायक निधि का भी अपना पूरा पैसा इसी के लिए दिया है कि भाई जो पार्षद वहां पे लोगों को उपलब्ध कराओ, सुविधाएं उपलब्ध कराओ पब्लिक की। यही ईज ऑफ लिविंग, स्वच्छ वातावरण हो, शुद्ध पेयजल हो, स्ट्रीट लाइट समय पे जले, हर गरीब के पास अपना मकान हो, हर गरीब के पास राशन की सुविधा हो, हर गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा मिले, हर गरीब को स्वस्थ ईंधन मिले, ये सभी कार्य। और ये जो आपने आज कार्य किया है सॉलिड वेस्ट के सिग्रीगेट के लिए, क्यूब्स के माध्यम से फिर उसे यहां से सप्लाई किया जाएगा। यहां पे जो प्रोसेसिंग के सेंटर स्थापित हो रहे हैं, यह सिटी के पर्यावरण को बेहतरीन करेगा। और मैं पार्षदों से भी कहूंगा, इस बार जब वन महोत्सव का कार्यक्रम हो, हर पार्षद अभी से संकल्प ले कि जो भी खाली जगह हो वहां पे अधिक से अधिक वृक्षारोपण के कार्यक्रम के साथ उन वृक्षों को सुरक्षित रखने के संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। अभी हमने नगर निगम को 50 एकड़ एक लैंड उपलब्ध करवाई है बड़ी गौशाला के लिए। हमने कहा यहाँ पे एक बड़ी गौशाला बनाओ, सिटी के अंदर जितने भी ऐसे गाय हैं उन सबको वहां भेज दो और वहां पे उनकी देखभाल हो। वहीं पे हम वेटनरी कॉलेज भी बना रहे हैं, वे लोग वहां पर उनकी देखभाल भी कर देंगे, उसमें सहयोग भी कर देंगे। सिटी के अंदर हर मोहल्ले में अच्छी सड़क बने, वहां पे जल निकासी की व्यवस्था हो। पहले आधा गोरखपुर शहर गुड़दवा नाले के नाते चौक हो जाता था, आज नाला भी बहुत अच्छा बन रहा है, बहुत चौड़ा नाला बन रहा है, दोनों तरफ सिविल लाइन भी जा रही है, दोनों तरफ सड़क भी बन रही है, स्ट्रीट लाइट भी होगी। जहां पहले लोग झांकने नहीं जाते थे, जहां पहले शहर का कचरा इकट्ठा होता था, आज वहां पे लोग सेल्फी लेने के लिए जाएंगे जिस दिन वो नाला वहां पे तैयार हो जाएगा। आप दुनिया को दिखाएंगे जैसे रामगढ़ ताल था ना, आज से 7 साल पहले क्या था, गंदगी और अपराध का गढ़ था। आज रामगढ़ ताल फिल्म शूटिंग का, और वहां पे सेल्फी का एक बेहतरीन पॉइंट बना हुआ है। लोग परिवार के साथ घूमने के लिए जाते हैं। पहले रामगढ़ ताल का नाम लेने पर लोग डरते थे। कोई वीआईपी आता था गोरखपुर में और सर्किट हाउस में ठहराना होता था, तो हम पहले ये व्यवस्था करते थे वहां पीएसी है कि नहीं है, सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था है कि नहीं है। और आज रामगढ़ ताल के ही ठीक किनारे रवि किशन जी ने एक मकान हथियार लिया, पैसा लिया, उन्होंने पैसे से खरीदा, बहुत सुंदर मकान बनाया। आप में से कितने लोग हैं उनके घर में? खिलाए क्या वहां पे कुछ? अगली बार भोजन के लिए बुलाएं क्या लोगों को? अब भोजन के लिए बुला रहे हैं आपको, इसलिए वहां पे आप उनके साथ फिल्म में शूटिंग में भी भाग लीजिए और वहां शानदार भोजन भी खाइए, ठीक है। तो देखो ये इतनी सुविधा आपको बैठे बैठे मिल गई। तो रामगढ़ ताल जहां लोग डरते थे, आज भोजपुरी के सुपरस्टार रवि किशन वहां पे अपना आवास बना के रह रहे हैं। ये है सुविधा। ऐसे गुड़दोहवा नाली के किनारे भी जो लोग बसे होंगे, पहले नारकीय जीवन था, अब उनको लगेगा कि वास्तव में धरती का स्वर्ग कहीं पे है। तो और अब नाला नहीं रहेगा बल्कि एक नदी के रूप में सामने आ रहा है। भव्य स्वरूप, दिव्य स्वरूप, ट्रैफिक की व्यवस्था, अधिक से अधिक खुलापन, लोगों को बेहतरीन सुविधा, ये कुछ ना कुछ नया करना चाहिए। और इसमें जनसहभागिता जितनी हो सकती है, वृक्षारोपण। इस बार जब गुड़दोवा नाला पूरा तैयार हो जाएगा, जब दोनों तरफ व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण करिए, हरा भरा देखना चाहिए। और मैं सभी पार्षदों से कहूंगा, हर वार्ड में व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण करिए। हमारा शहर केवल कंक्रीट का एक जंगल नहीं दिखना चाहिए, हरा भरा भी दिखना चाहिए, शुद्ध भी दिखना चाहिए, सुंदर भी दिखना चाहिए। अगर हम इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे, लोग हमारे कार्यकाल को यादगार करेंगे। जैसे सीताराम जी के समय में पिछले बोर्ड ने नगर निगम भवन के लिए यहां आह्वान किया था। आज नगर निगम के पास इतना भव्य भवन है, इतना शानदार भवन किसी के पास नहीं है अभी, याद रखना, नगर निगम का। और यहाँ पे ICCC भी लग गया है। बहुत अच्छा हुआ कि आपका नगर निगम का यहाँ पे कार्यालय बन गया है, नहीं तो बहुत सारे लोगों की नजरें लगी हुई थी। और मैं इस अवसर पर आप सबको बधाई दूंगा। लगभग 500 करोड़ रुपए की परियोजनाएं, इसमें मोहल्ले की सड़कें भी हैं, इसमें जल निकासी की व्यवस्था भी है, इसमें सीवर से जुड़े हुए प्रोजेक्ट भी हैं, इसमें ICCC का भी है। यानी सेफ सिटी के लक्ष्य को प्राप्त करने के समय गोरखपुर नगर निगम भी अब सफलता प्राप्त कर लिया है। और साथ साथ सॉलिड वेस्ट के सेग्रीगेट करने के साथ साथ उसकी प्रोसेसिंग के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का एक कार्यक्रम एक साथ हुआ है। इन सब के लिए नगर निगम परिवार को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। गोरखपुर वासियों को इसका लाभ मिलेगा। नगर निगम के द्वारा और सभी संबंधित विभागों के द्वारा होली के पूर्व महानगर वासियों को एक उपहार है। इसके लिए सभी पार्षदों को भी हृदय से बधाई, महानगर वासियों को भी बधाई। और मुझे पूरा विश्वास है कि गोरखपुर शहर को स्वच्छ, सुंदर और स्मार्ट बनाने के लिए आप पूरी मेहनत के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद ज्ञापन हेतु माननीय विधायक ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी। आज महानगर गोरखपुर को बहुत सी सौगात देने के लिए मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य महाराज जी के चरणों में नमन करते हैं। हम अपने सांसद जी का सहित महापौर जी का, सभी सम्मानित विधायक जी का स्वागत करते, आभार व्यक्त करते हैं। और आपके सामने मित्रों, 482 करोड़ रुपए से नगर निगम क्षेत्र में 253 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने के लिए पूज्य महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और मित्रों, एक अनुरोध भी करेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसद रवि किशन शुक्ल जी को फिर दोबारा यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। ऐसे हंसते खिलखिलाते बीच में भेजा है उच्च महाराज जी का शहर है। मित्रों, आपसे अनुरोध करेंगे आप सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिएगा। उच्च महाराज जी का सम्मान जुड़ा है।